ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार और सपोर्ट आपके चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जीवन में कभी भी, या तो वर्तमान में या भूतकाल में, कभी भी किसी भी व्यक्ति ने आपके साथ कुछ भी बुरा किया हो, जैसे आपको पैसे का धोखा दिया हो, प्यार में धोखा दिया हो, या आपको किसी प्रकार से आपको छल कपट उनने किया, जैसे जमीन जायदाद में भी कम दे दिया हो और हमारे साथ छल कपट हुआ, ये ऐसा आपको लगता है, पर एक इसमें बात जरूर कह दूं कि वो जेन्युइन और सही होना चाहिए, जेन्युइन और सही होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम खुद के भाव के लिए ये चीज़ सोचते हैं कि नहीं, हमारे साथ गलत हुआ, पर अगर आपके साथ एक्चुअल में सही में यदि गलत हुआ है, कभी भी किसी ने आपके साथ कुछ भी बुरा किया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप ये जान पाएंगे कि कभी भी किसी ने आपके साथ बुरा किया है, तो कुछ बातें हैं जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और उससे बहुत सी चीज़ें जो हैं आपकी क्लियर हो सकती है और बहुत सी चीज़ें आपको समझ आ सकती है। पहले मैं नोट कर देना चाहता हूँ कि ये कोई भी ऐसी तांत्रिक क्रिया नहीं है या कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें नहीं है, ये बिल्कुल पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, और बहुत आसान तरीके से इन चीज़ों पर हम काम कर सकते हैं। तो उससे पहले एक छोटा सा मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें, कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें, और अगर अभी जीवन में वर्तमान में कोई तकलीफ या परेशानी से आप गुजर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव राय चाहते हैं, अगर सकारात्मक चर्चा करना चाहते हैं और सिर्फ सकारात्मक, तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें, अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, उसका शुल्क है दोस्तों, फीस पे करके आप बात कर सकते हैं। सबसे पहली और मुख्य बात कि जब भी किसी ने आपके साथ बुरा किया है, भविष्य में, माफ़ कीजिएगा, भूतकाल में, वर्तमान, जब भी, तो आप कंटिन्यू बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दें, क्योंकि बजरंग बाण जो है वो शनि जो न्यायिक, ये न्याय के अंतर्गत चीज़ें आती है, मतलब ये न्यायिक चीज़ होती है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, मतलब न्याय नहीं हुआ है। तो जो शनि, जब रावण के यहाँ पर बंदी बनाए गए थे, नौ ग्रहों को रावण ने बंदी बनाया था, तो शनि देव को बजरंग जी महाराज ने वहाँ से छुड़ाया था उनको, और उन्होंने वादा किया था कि मैं जो भी आपका भक्त है, मैं उसको कभी परेशान नहीं करूँगा और मैं उसके साथ कभी अन्याय नहीं करूँगा। अन्याय नहीं करूँगा मतलब अगर कुछ अन्याय हो जाता है, अगर हो जाए, तो उसे सही करने के लिए बजरंग बाण का पाठ करें। जैसे आप बजरंग बाण का पाठ करना शुरू करेंगे दोस्तों, महीने, दो महीने, मतलब एक चमत्कारिक परिणाम आपको दिखाई देंगे। मैंने भी प्रैक्टिकल किया है, कई सारे जातकों को मैंने सजेशन दिया कि आप ये प्रयोग करें, और इस प्रयोग से कई सारे जातकों को बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, मतलब 10 में से 8 से 9 लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। पर शर्त ये है दोस्तों कि आपके साथ वाकई में अन्याय हुआ हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके नज़रिए देख देने से हमारे साथ अन्याय नहीं माना जाएगा। तो अगर आपको कुछ अच्छा लगा वीडियो में, तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।